नमस्कार, मध्य प्रदेश को लेकर चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और अब जिस कार का माहौल देखने को मिल रहा है, आप चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतर गए हैं, उसके बाद जनता का मन क्या है और ऐसे में 52 जिलों का आंकड़ा मध्य प्रदेश में किसकी तरफ इशारा कर रहा है, आखिर किसका पलड़ा मध्य प्रदेश में इस वक्त भारी नजर आ रहा है, क्योंकि चुनावी शोर है लेकिन जनता किस ओर है, इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनावी जो सर्वे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इस बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से भी चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतरे हैं। तो कितना असर डालेंगे मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरने से, जिस कार की हलचल अब देखने को मिल रही है, क्योंकि 2018 में समाजवादी पार्टी निर्दलीय के समर्थन से ही कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, तो इस बार फिर एक बार निर्णायक होंगे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, क्योंकि इस बार गठबंधन के तौर पर बात की जा रही थी, लेकिन जिस कार से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक भी सीट यहाँ पर उनके सहयोगी इंडिया गठबंधन को नहीं दी है, तो ऐसे में यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अब तक 69 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। वही समाजवादी पार्टी ने 45, जबकि जेडीयू ने अभी 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बसपा ने भी चुनावी मैदान में यहाँ पर ताल ठोकी है। तो ऐसे में इन यहाँ पर उम्मीदवारों के चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया था। करीब 15 सीटें ऐसी रही थी जहाँ इन उम्मीदवार के चुनावी मैदान में उतरने से भारतीय जनता पार्टी को 8 जबकि कांग्रेस को 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। तो मध्य प्रदेश को लेकर जनता का मन इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़े बड़े ऐलान कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं वचन पत्र में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिन योजनाओं को रखा है, क्या इन योजनाओं के दम पर एक बार वापसी होगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस कार से बड़े उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं, मध्य प्रदेश में एक ही चरण में 17 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए नई रणनीति चली है और सीएम पेज चेहरा अब तक घोषित नहीं किया है और बड़े चेहरे इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, जिनमें यहाँ पर बात की जाए तो 3 यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, 7 सांसद और यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय महासचिव भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश का क्या सियासी गणित है और जिस कार से जनता का जो आंकड़ा है उस हिसाब से मध्य प्रदेश में क्या कुछ होगा, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी हो, लगातार मध्य प्रदेश को लेकर चुनावी दौरों पर रहे और बड़े बड़े ऐलान भी किए जा रहे हैं। 2018 में कांग्रेस ने 114 सीट, भारतीय जनता पार्टी ने 109 सीट, बीएसपी ने 2 और समाजवादी पार्टी ने 1 और अन्य के पक्ष में 4 सीटें रही थी, और ऐसे में जो अन्य की सीटें रही थी उनके समर्थन से ही यहाँ पर सरकार बनी थी। लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्या एक तरफ पर सरकार बनेगी या फिर त्रिशंकु सरकार के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस कार की हलचल मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है उससे साफ जाहिर है कि मध्य प्रदेश में काफी कुछ हलचल होने वाली है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश को लेकर हर एक जिले के आंकड़े आ रहे हैं सामने। शिवपुरी की 2 सीटों पर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 1 सीट पर कांग्रेस, तो 1 सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए सीधे तौर पर तो यहाँ पर कांटे की टक्कर हो सकती है, जबकि मुरैना की अगर बात की जाए तो मुरैना से 6 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस को 4 सीटें और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस कारण से चुनावी मैदान में अब दिग्गज उतरे हैं। लेकिन निर्दलीय भी अब इस बार चुनावी मैदान में है, क्योंकि टिकट न मिलने से कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी कई बड़े नेता नाराज दिखे हैं। भिंड से अगर बात की जाए तो 5 सीटें आती हैं। 2018 में भिंड से 1 सीट पर बीजेपी और 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी। इस बार कांग्रेस को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। ग्वालियर से 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहाँ पर हो सकती है। दतिया से 3 विधानसभा सीटें आती हैं और 1 सीट पर बीजेपी ने 2018 में जीत हासिल की थी और इस बार यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना हो सकती है। शिवपुरी की 5 विधानसभा सीटों में से अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। सीधे तौर पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। गुना से 4 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर बात की जाए 2018 में तो 1 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, कांग्रेस ने 3 सीटें यहाँ पर जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का फायदा गुना के अंदर मिलता नजर आ रहा है। भाई अशोकनगर की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सागर की 8 विधानसभा सीटों में से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, वही कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। टीकमगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी 2018 के दौरान, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। निवाड़ी की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर छतरपुर में 6 विधानसभा सीटें आती हैं।
और तीनों सीटों पर कांग्रेस और तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर अन्य की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कांटी की टक्कर यहां पर तीन तीन सीटों पर कांटी की यहां पर टक्कर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच देखने को मिल सकती है। दमोह की चार विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के पक्ष में एक सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर तीन सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस कार से यहां पर कांग्रेस को यहां पर एक सीट मिली थी 2018 में, लेकिन बसपा के पक्ष में एक सीट रही थी, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को दमोह में मिलता नजर आ रहा है। पन्ना की तीन विधानसभा सीटों में से दो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर कांग्रेस का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और जिस कार से सतना की सात विधानसभा सीटें आती हैं, 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पांच सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर पांच विधानसभा सीटें, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर दो विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। रीवा की आठ विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी 2018 में, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 203 सीटों का नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दो सीटों पर कांग्रेस, जबकि भारतीय जनता पार्टी को पांच, एक सीट अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान हो सकता है। अगले जिले की बात की जाए तो सीधी से चार विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 में तीन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि एक सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है और एक सीट का फायदा कांग्रेस को यहां मिल सकता है। सिंगरौली से तीन विधानसभा सीटें आती हैं। तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक सीट का नुकसान यहां पर भी देखने को मिल सकता है। दो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि एक सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना हो सकती है। सौडोल से तीन सीटें आती हैं। तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। अनूपपुर की तीन विधानसभा सीटों में अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर यहां पर कांग्रेस को तीनों सीटों पर जीत मिली थी 2018 में, लेकिन इस बार कांग्रेस को एक सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है, एक सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मिल सकता है। उमरिया की दो विधानसभा सीटों में अगर बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल कराया था 2018 में, लेकिन इस बार कांग्रेस बीजेपी में यहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। एक एक सीट पर यहां पर जो है मुकाबला देखने को मिल रहा है। कटनी की चार विधानसभा सीटों में से एक सीट पर कांग्रेस, तीन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबलपुर की आठ विधानसभा सीटें निर्णायक होती हैं, यहां पर कांग्रेस का पलड़ा पांच सीटों पर भारी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को तीन सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए जबलपुर के लिए 2018 में चार सीट पर कांग्रेस और चार सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की थी। डिंडोरी से दो सीटों की अगर बात की जाए तो दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहां हो सकती है। मल्ला की तीन विधानसभा सीटों में से दो सीटों पर कांग्रेस और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बालाघाट की छह विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को दो सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस यहां पर चार सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। जिस कारण से 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर दो सीटें, जबकि कांग्रेस ने तीन, जबकि एक अन्य सीट को भी गई थी निर्दलीय ने यहां पर जीत हासिल की थी। सिवनी की चार विधानसभा सीटों में अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में दो सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए नरसिंहपुर की चार विधानसभा सीटों में तो यहां पर भी कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। दो दो सीटों की टक्कर यहां पर हो सकती है। 2018 में कांग्रेस ने तीन सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को एक सीट मिली थी। एक सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। छिंदवाड़ा की सात विधानसभा सीटों की बात की जाए 2018 में सभी सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार छह सीटों पर कांग्रेस और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बैतूल की पांच विधानसभा सीटों में से कांग्रेस चार सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर एक सीट की संभावना यहां हो सकती है। हरदा की दो विधानसभा सीटों में अगर बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था 2018 में, लेकिन इस बार एक सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है, एक सीट पर कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। होशंगाबाद की चार विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने यहां पर एक सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर तीन विधानसभा सीटें यहां पर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन 2018 में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, इस बार एक सीट का नुकसान हो सकता है। राजस्थान में चार विधानसभा सीटें आती हैं और दो सीट पर कांग्रेस, तो दो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक सीट का फायदा मिल रहा है और कांग्रेस को यहां पर एक सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर भोपाल से सात विधानसभा सीटें आती हैं और यहां पर कांग्रेस के पक्ष में तीन सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर चार विधानसभा सीटें जीतने की संभावना हो सकती है। जबकि विदिशा की पांच विधानसभा सीटों में अगर बात की जाए तो तीन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि दो सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। सीहोर की चार विधानसभा सीटों में अगर बात की जाए तो यहां पर तीन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना यहां पर हो सकती है। 2018 में चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार एक सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। जबकि आगरमालवा की दो सीटों में कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, एक एक सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। शाजापुर की अगर बात की जाए तो तीन सीटें आती हैं, दो सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती, जो अनुमान दिखाई दे रहा है।
देवास की 5 विधानसभा सीटों में 3 सीटों पर जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस ने यहां 2 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को 3 और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। 1 सीट का नुकसान यहां पर भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। खंडवा की 4 विधानसभा सीटों में से 2-2 सीटों पर बराबर की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के अनुमान और चुनावी गणित सामने आ रहे हैं। बुरहानपुर की 2 सीटों में से भी पार्टी की टक्कर, 1 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी पर यहां पर जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। 2018 में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट निर्दलीय के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को यहां पर मिल सकती है। खरगोन की 6 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर कांग्रेस, जबकि 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर अन्य का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। बड़वानी की 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, जिसका की अनुमान है। और अगर बात की जाए अलीराजपुर की 2 सीटों में से, तो दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहां पर हो सकती है। 2018 में भी कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। यहां पर झाबुआ की 3 विधानसभा सीटों में बात की जाए, तो 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, जबकि अगर बात की जाए तो 1 सीट बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। धार की 7 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को यहां पर 6 विधानसभा सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। अगर बात की जाए 2018 में, तो यहां पर 6 सीटें कांग्रेस को मिली थी। 2018 में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली थी। इंदौर की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए, तो 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है, जो अनुमान मध्य प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का फायदा यहां पर इंदौर में मिलता नजर आ रहा है, जबकि उज्जैन की 7 सीटों पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 4, जबकि कांग्रेस को यहां पर 3 सीटें मिल सकती हैं। 2018 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी, लेकिन जिसकार का अब माहौल देखने को मिला उज्जैन के दौरान, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। रतलाम की अगर बात की जाए तो 5 सीटें आती हैं, और यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। राजगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी यहां पर 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। मंदसौर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 2018 में कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। नेवाज की 3 विधानसभा सीटों में से अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था, लेकिन इस बार भी 1 सीट का नुकसान यहां पर दिखाई दे रहा है। 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर सभी 52 जिलों के चुनावी गणित और चुनावी अनुमान आपको दिखाए हैं। इस तरह से जिस कार के आंकड़े बन रहे हैं, सभी 230 विधानसभा सीटों के चुनावी आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश में 116 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। तो इस हिसाब से जो गणित सामने आ रहा है, सभी 52 जिलों के जो चुनावी आंकड़े हैं, जिस कार से अब यहां पर उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। कुछ यहां पर ऐसे उम्मीदवार भी रहे जिन्हें टिकट न मिलने से नाराजगी भी व्यक्त की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर समाजवादी पार्टी बीएसपी और आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में भी उतरने से काफी हलचल देखने को मिल रही है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 108 से लेकर 125 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 104 से लेकर 120 विधानसभा सीटों पर भारी नजर आ रहा है, और अन्य के पक्ष में भी 3 से 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। इस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर जो आंकड़ा है, उस हिसाब से दोनों ही पार्टियों में कड़ी टक्कर है। दोनों ही पार्टियों को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यहां पर बहुमत के आंकड़े को पार करती नजर आ रही है, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण हो जाती है 3 से 5 विधानसभा सीटें, जो कि निर्णायक होंगी, मध्य प्रदेश चुनावी गणित को पलट भी सकती हैं, जो अनुमान यहां पर सामने आ रहा है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर जो गणित और जो चुनावी आंकड़े आपको दिखाए हैं, जो 2018 और जिस कार से वर्तमान है, यहाँ चुनावी मैदान में यहाँ पर विधायक उतरे हैं, जिस कार की योजनाएं रही हैं, जिस कार का गणित सामने आ रहा है, वो जनता पोल जो रहा है, इस हिसाब से आंकड़े आपको दिखाए हैं। फिर भी आपको बता दें कि ये नतीजे बिल्कुल नहीं है। जनता तय करेगी मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग और मतगणना 3 दिसंबर को हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको लगता है मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर कांग्रेस की वापसी होगी? तो कितनी सीटें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिलेगी, क्योंकि ये चुनाव के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस कारण से बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो अपने यहाँ जरूर रखिए। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।